भारत में कई हॉस्पिटल के रिपोर्ट के अनुसार ब्लैक फंगस के बहुत सारे रिपोर्ट सामने आ रहे हैं। कोरोना का संकट अभी खत्म नहीं हुआ, ये एक नई बीमारी ब्लैक फंगस आ गई है। तो आइए जानते हैं ब्लैक फंगस क्या है, किसको होने के ज्यादा खतरा है, कैसे ये फैलता है, क्या इसके इलाज है। ब्लैक फंगस क्या है? सच्चाई यह है कि हम अभी तक इसके बारे में सब कुछ नहीं जान पाए हैं। मेडिकल भाषा में इसे म्यूकोरमाइकोसिस कहते हैं और यह म्यूकोरमाइसिटिस नामक फंगल के एक समूह के कारण होने वाला गंभीर फंगल इन्फेक्शन है। ब्लैक फंगस कैसे फैलता है? म्यूकोरमाइसिस्ट हर जगह होते हैं, जैसे मिट्टी, गिरे हुए पत्ते, खाद, हवा। ज्यादातर यह तब फैलता है जब हम संक्रमित जगह पर नाक के जरिए सांस लेते हैं। तो इसी कारण से डॉक्टर लोग बोलते हैं कि हर जगह मास्क पहनते रहिए। क्या ब्लैक फंगस संक्रामक है? तो ये बात हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन आप अगर किसी संक्रमित व्यक्ति के पास में जाते हैं तो यह बीमारी आपको होने के चांसेस बढ़ जाती है। ब्लैक फंगस होने का अधिक खतरा किसे है? सबसे महत्वपूर्ण कारण यह है कि इम्यूनिटी कमजोर होना, और इसके कई कारण हैं, जैसे डायबिटीज, स्ट्राइक का दुरुपयोग, इम्यूनोसप्रेसेंट दवाएं लेना जैसे कीमोथेरेपी आदि। भारत में ब्लैक फंगस का इतना प्रकोप क्यों दिख रहा है? तो यह वास्तव में कई कारणों की वजह से है। भारत में डायबिटीज के मरीज काफी अधिक हैं। इसके साथ कोविड-19 रोगियों में स्टेरॉइड के दुरुपयोग और ग्लूकोज के लेवल को नियंत्रण में न रख पाना भी एक प्रकोप होने के बढ़ावा दे रहा है। क्या डायबिटीज और स्टेरॉइड का दुरुपयोग ही ब्लैक फंगस का एकमात्र कारण है? इसके अलावा भी कुछ संभावित कारण है, लेकिन इनके बारे में अभी सही और पूरी जानकारी हासिल नहीं है। जैसे इंडस्ट्रियल ग्रेड ऑक्सीजन, ह्यूमिडिफायर में नल का पानी, दोबारा इस्तेमाल किए गए मास्क, एंटीबायोटिक का ज्यादा इस्तेमाल आदि, इसके बहुत सारे कारण होते हैं। ब्लैक फंगस के जोखिम को कम करने के लिए क्या करें? यदि आपको डायबिटीज है तो यह आप सुनिश्चित करें कि आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल कंट्रोल में रहे, क्योंकि ऐसा ना होने पर ब्लैक फंगस का खतरा बढ़ जाता है। दूसरी बात यह है कि स्टेरॉइड का उपयोग केवल डॉक्टर के बताए अनुसार करें। अंधाधुंध स्टेरॉइड का सेवन दो तरह से नुकसान पहुंचाता है। पहला, यह आपकी इम्यूनिटी कम करता है, और दूसरा, यह आपके ब्लड ग्लूकोज लेवल को बढ़ाता है। क्या ब्लैक फंगस से बचने के लिए कोविड-19 में स्टेरॉइड का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए? नहीं, आपको बस जरूरत स्टेरॉइड के सही उपयोग के बारे में जानने की है। यदि आपका ऑक्सीजन लेवल सामान्य है तो स्टेरॉइड शायद फायदे से ज़्यादा नुकसान पहुँचा सकता है। यदि किसी को डायबिटीज है और गंभीर कोविड-19 हो जाता है तो क्या स्टेरॉइड का इस्तेमाल सही होगा? जोखिम लाभ अनुपात अब भी स्टेरॉइड देने के पक्ष में है, लेकिन यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल कंट्रोल में रहे और स्टेरॉइड का उपयोग जरूरत से ज़्यादा बिल्कुल नहीं किया जाए। ब्लैक फंगस की पहचान क्या है? आमतौर पर ब्लैक फंगस की पहचान निम्न स्थितियों में की जाती है, जैसे चेहरे के एक तरफ सूजन, नाक भरी हुई महसूस होना, सिर दर्द, लाल आंखें, नाक या तालू का काला पड़ना, नाक से स्राव और बुखार आदि इसके लक्षण होते हैं। यदि किसी इंसान में ब्लैक फंगस के लक्षण विकसित होते हैं तो क्या करना चाहिए? सबसे पहले, कृपया घर पर या स्वयं इसका इलाज करने का प्रयास न करें। ब्लैक फंगस होने पर तत्काल अस्पताल में भर्ती होने और उपचार की आवश्यकता होती है। अगर ब्लैक फंगस का निदान जल्दी हो जाए और इलाज शुरू कर दिया जाए तो इसका इलाज संभव है। दवाओं के अलावा कुछ रोगियों को सर्जरी की आवश्यकता हो सकती है, तो इलाज से अच्छा बचाव है। तो इसके लिए आप कोविड संक्रमण से बचने के लिए मास्क पहनें, हाथ धोएं और कोविड वैक्सीन लगवाएं।